आजकल हमारा फोन हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। हमारी सारी मेल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स, म्यूजिक, वीडियोस, डेटा और पासवर्ड्स भी सब इसी पर होते हैं। पर अगर ये चोरी या गुम हो गया तो क्या इसको खोजना मुमकिन है? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना चोरी हुआ या गुमा हुआ मोबाइल कैसे खोजें। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। वैसे तो कई एप्स हैं जिनकी मदद से आप अपना खोया हुआ मोबाइल लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट ओनर, वेयर्स माय ड्रॉइड, प्लान बी, एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर और प्रे। इस वीडियो में मैं एंड्रॉइड की तीन एप्स के बारे में बताने वाली हूँ, कॉन्टैक्ट ओनर, वेयर्स माय ड्रॉइड और एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। सबसे पहले कॉन्टैक्ट ओनर। मान लीजिए आपका फोन गुम हो गया और वो किसी को मिल भी गया, पर आपका फोन लॉक्ड है। ऐसी स्थिति में जिसे फोन मिला वो आपको फोन वापस करे तो कैसे? इस ऐप की मदद से आप अपने डिटेल्स फोन में ही स्क्रीन पर रख सकते हैं, ताकि जिसे फोन मिला है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। आइए देखते हैं कॉन्टैक्ट ओनर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाते हैं और कॉन्टैक्ट ओनर खोज लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट ओनर ऐप आ गई, इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करके ये देखिए ये इंस्टॉल हो गई। इसको ओपन कर लेते हैं। यस के बटन पर क्लिक किया। अब ये देखिए ये ऐप खुल गई है। बहुत ही सिंपल सी ऐप है। इसमें सिर्फ तीन चीजें हैं जो आपको डालनी है। पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं। मैंने क्या कैसे डाल दिया और सर्च पर क्लिक किया, ये देखिए क्या कैसे आ गया। इस पर क्लिक कर देती हूँ और यस पर क्लिक किया, ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ गया। और अब मैं वापस जाती हूँ। अब देखिए जो ऊपर और नीचे वाले फील्ड्स थे वो भी इनेबल हो गए हैं। तो टेक्स्ट बिफोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया है ये फाउंड प्लीज कॉन्टैक्ट, तो ओके के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जो टेक्स्ट आएगा उस पर भी क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ और कॉल, और यहाँ पर अपना नंबर डाल देती हूँ और ओके के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये मेरा असली नंबर नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे एक डमी सा नंबर डाला है। तो चलिए अब ये हमने तीनों की तीनों चीजें भर ली। हम वापस जाते हैं और अब हम अपने फोन को लॉक कर देते हैं। ये देखिए ये फोन लॉक हो गया। इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं ऊपर अगर आपका फोन किसी को मिला तो ये ऊपर उनको दिखेगा। वो आपके फोन में अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनको आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर हूबहू वैसी दिखेगी जैसी आपने एंटर करी थी। दूसरी ऐप है वेयर्स माय ड्रॉइड। ये एंड्रॉइड फोन को खोजने में मदद करती है। आप गुमे हुए फोन को रिंग कर सकते हैं, उसकी लोकेशन या उसका स्थान पता कर सकते हैं, उसके कैमरा से फोटो भी ले सकते हैं और दूर बैठे अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं और टाइप कर लेते हैं वेयर्स माय ड्रॉइड। ये एप्लीकेशन आ गई, इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया और अब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। इसे ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। और अब ये आपको एक वेलकम स्क्रीन पे बोल रहा है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, पर मैं इसे स्किप कर देती हूँ। एक्सेप्ट टर्म्स पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये अब हम वेयर्स माय ड्रॉइड में आ गए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन की दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन और एक प्रो वर्जन। सारे फीचर्स प्रो वर्जन में अवेलेबल हैं, लेकिन उसके आपको लगभग $4 लगते हैं। इसलिए मैं फ्री वर्जन से ही यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कमांडर में जाइए और अब अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कीजिए। एक
यूजर नेम चुन लीजिए और एक पासवर्ड चुन लीजिए। दोबारा पासवर्ड टाइप कर देते हैं और अब आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। ये हमने अपना ईमेल डाल दिया और अब यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन डालना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका अकाउंट जो है बन रहा है, लेकिन इससे पहले आपको ये देखिए ये ईमेल आपके इनबॉक्स में आ गई, लेकिन इससे पहले आपको अपने डिवाइस का नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं Samsung S3 और ऐड डिवाइस पर क्लिक कर देते हैं। और अब जो ये कमांडर है ये लिंक्ड है और ये आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है। डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसमें काफी एड्स आती हैं क्योंकि ये फ्री वर्जन है। अब देखिए अगर आपका फोन घूम गया तो आपके पास दो ऑप्शंस या दो विकल्प हैं। आप या तो किसी दोस्त के मोबाइल से SMS भेज सकते हैं अपने फोन पर और उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप पर Where's My Droid की वेबसाइट में जाकर अपने फोन को खोज सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप किसी दोस्त के फोन से अपने फोन पर SMS करते हैं तो आप अपने फोन को कैसे लोकेट कर सकते हैं। ये मैसेज में टाइप कर लेते हैं आप नंबर और यहाँ पर अब आप एक मैसेज भेज दीजिए। उस मैसेज में लिख दीजिए WMDGPS और सेंड कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही आप ये मैसेज भेजते हैं आपको Where's My Droid जवाब दे देता है कि आपका जो मैसेज है वो रिसीव हो गया है और आपको 5 मिनट तक के अंदर रिस्पॉन्स या जवाब मिल जाएगा। और देखिए थोड़ी देर के बाद ही एक SMS आ गया जिसमें कि आप देख सकते हैं कि वो आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि ये GPS लोकेशन क्या है, यहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह। और तो और वो आपको एक गूगल मैप्स का लिंक भी देता है। उस लिंक के अंदर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इस वक्त आपका फोन कहाँ है और आपको लगभग जो एड्रेस है वो भी दे दिया जाता है। तो चलिए हम गूगल मैप्स पर क्लिक कर देते हैं, ओपन URL और मैप्स पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इस समय ये फोन कहाँ है। ये देखिए इसको जूम इन किया तो बिल्कुल सही, ये जो फोन है इस वक्त कैरिबियन रेजिडेंसेस में है सिंगापुर में, जो कि मेरी लोकेशन है। तो SMS द्वारा हमने पता कर लिया कि इस फोन की लोकेशन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फोन को रिंग करें, टाइप कीजिए WMD रिंग और सेंड पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये फोन जो है ये बजना शुरू हो गया और अगर आप आसपास हो तो आप देख सकते हैं कि आपका फोन कहाँ है, आप उसे खोज सकते हैं। और आपको जब फोन मिल जाए तो आप ये फाउंड फोन के बटन पर क्लिक करके उसे चुप करा सकते हैं। पर अगर आप अपने PC से ही अपने फोन को खोजना चाहते हैं तो कैसे करें, आइए देखते हैं। एक बात आपको बतानी जरूरी है कि जो Where's My Droid है उसने आपको एक ईमेल भेजी होगी और आपको एक वेरिफिकेशन का स्टेप पूरा करना है। तो ये हम इस पर क्लिक करके और यहाँ पर ये वेरिफिकेशन मेल पर क्लिक कर देते हैं और जस्ट वन। और अब ये जो आपका अकाउंट है ये वेरीफाई हो गया। तो चलिए यहाँ पर टाइप करते हैं wheresmydroid.com और फिर जाते हैं कमांडर पर। ये हम Where's My Droid में कमांडर में आ गए। अब हम यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देते हैं। ये वही ईमेल एड्रेस है जिसके सहारे हमने अभी अभी अपना अकाउंट खोला है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन के बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए अब हम इसमें लॉग्ड इन हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा Samsung S3। अब हम फाइंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए
आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप चाहें तो फटाफट एक अप्रोक्सीमेट या लगभग ये फोन कहाँ है उसकी लोकेशन आप पता कर सकते हैं, या फिर आप एक्यूरेट लोकेशन भी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम क्विक लोकेशन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये जो कमांड है ये आपके फोन को भेज दिया गया है। ये कह रहा है कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर एक जवाब या रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये देखिए तो बहुत जल्दी जवाब आ गया और आप देख सकते हैं कि मेरी लोकेशन या मेरे फोन की लोकेशन जो है इस वक्त ये देख सकते हैं आप सिंगापुर में तेलंग फ्लांगा रोड है और यहाँ पर ये पूल के पास मेरा फोन पड़ा है और ये एक रेडियस सा बना देता है, एक गोला सा है और लगभग उसके अंदर अंदर मेरा फोन है। खैर ये सब लोकेशंस एक अप्रोक्सीमेशन ही होती है, अंदाजे से होती है। अगर आप चाहें तो अपने फोन को रिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये रिंग का बटन है और यहाँ पे क्लिक किया तो आप अपने फोन को रिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देखिए ये फोन जो है बच गया और आप जो है इसको फाउंड फोन पर क्लिक करके चुप करा सकते हैं। तो ये देखिए हमने फोन खोज लिया। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि प्रो वर्जन में अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आपके फोन के सामने और पीछे कैमरा है तो ये उनके फोटोज ले सकता है, ये आपके फोन को लॉक भी कर सकता है। आप चाहें तो अपने फोन को यहाँ से लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रो का फीचर है। इस प्रकार आप वेयर्स माय ड्रॉइड की मदद से किसी दोस्त के फोन से या फिर अपने लैपटॉप से अपने खुमे हुए या चोरी किए गए फोन को आसानी से खोज सकते हैं। अब ये तो हुई बात तब की जब आपके पास अपना फोन उपलब्ध है और आप पहले से एहतियात बरत रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लेकिन क्या करें अगर हमारा फोन गुम हो गया है पर हमने ये सारी एप्स अपने फोन पर इंस्टॉल ही नहीं की थी। ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही उपाय है, आप एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर के पास जाकर और उसके अंदर लॉगिन करके देख सकते हैं कि इस वक्त आपका फोन कहाँ है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ गूगल में गए और ऊपर टाइप कर लेते हैं एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। ये देखिए ये एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर आ गया। ये गूगल कंपनी की एक सेवा है जो हर एंड्रॉइड डिवाइस को ट्रैक करती है। अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस अपने प्ले स्टोर में डाला है और आपने अपने फोन पर ईमेल एड्रेस डाला है तो आप लॉगिन कर देख सकते हैं। ये हम एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर में आ गए। आप अपना गूगल अकाउंट जो है इस्तेमाल करके इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हमने अपना पासवर्ड डाल दिया और साइन इन के बटन पर क्लिक कर दिया और ये देखिए ये जो है एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर ये खुल गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता रहा है कि आपके डिवाइस की वो लोकेशन जो है वो गूगल को बता देगा, लेकिन ये जो लोकेशन है ये जरूरी नहीं कि हर वक्त बिल्कुल सही हो। और अगर आपको लगता है कि आपका जो फोन है वो चोरी हुआ है तो आप पुलिस को जरूर बताएं। और हम इस पर एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए ये हमारी लोकेशन ढूंढ रहा है और ये बता रहा है कि आखिरी बार ये जो हमारा फोन है ये 3:47 पर सिंगापुर में देखा गया और 5 जून को देखा गया, यानी कि आज लगभग 1 मिनट पहले। और ये आप देख सकते हैं ये मैप आ गया है। आप अगर चाहें तो आप इधर क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस फोन की लोकेशन जो है वो फिलहाल लगभग इधर है और लगभग 23 मीटर की एक्यूरेसी से ये आपको बता रहा है। इस वक्त अगर आप चाहें तो आप अपने फोन को रिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिंग का एक फंक्शन है, रिंग पर क्लिक किया और ये जो डिवाइस है ये 5 मिनट तक रिंग होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये रिंगिंग को बंद करें तो आप पावर बटन को दबाइए। तो चलिए हम रिंग के बटन पर क्लिक करके और फोन को जो है रिंग कर देते हैं। ये देखिए ये फोन बजना शुरू हो गया और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये
लिए मैंने फोन को जो है बंद कर दिया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लॉक एंड इरेज को भी इनेबल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर इसे सेटअप कर सकते हैं। और हम सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं, नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में भेज दी गई है। तो हालांकि हमने अपना फोन एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर में पहले से रजिस्टर नहीं किया था, हालांकि हमारे पास ये ऐप भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें लगभग पता चल गया कि हमारा फोन कहाँ है और हम उसे रिंग भी कर पाए। अब आप अपना खोया हुआ या चोरी हुआ फोन आसानी से खोज सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।